हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौन से गीता। तो आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आपका जल्द ही यूपी टीजीटी और पीजीटी की एग्ज़ाम डेट अब जल्द ही आने वाली है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, जिसकी वजह से सभी परीक्षाएँ रुकी हुई थी। तो आपको बता देते हैं, यूपी का शिक्षा सेवा चयन आयोग कैबिनेट जो यहाँ पर पास हो चुका है। तो यहाँ पर पहले देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर इसको मैं समराइज वे में बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या थी, तो उसमें यहाँ पर 11 सदस्यों की संख्या थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 1+ कर दी गई है, यानी कि कुल 12 संख्या कर दी गई है। और यहाँ पर ये भी बता देंगे कि यहाँ पर एक अध्यक्ष की भी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो इसका मुख्यालय है, वो यहाँ पर प्रयागराज में है, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय होगा वो प्रयागराज में होगा, और इसके अंतर्गत यहाँ पर यूपी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वो सब यहाँ पर इसी के अंतर्गत ही कराई जाएंगी, यानी कि जो यहाँ पर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है इसी के अंतर्गत कराई जाएंगी, चाहे वो आपकी चाहे इंटरमीडिएट की हो, या फिर हायर एजुकेशन की हो, या फिर आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की हो। तो चलिए एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं जिसमें इस नए आयोग को मंजूरी दी। उसमें जो चयन प्रक्रिया थी, अब तक की जो प्रक्रिया थी, उसमें अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के शिक्षकों के चयन में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग तथा अशासकीय सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज के शिक्षकों के चयन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों एवं संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन हेतु संबंधित प्रबंध तंत्र एवं परिषदीय विद्यालय में सहायक अध्यापक के पदों पर चयन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद व्यवसायिक शिक्षा विभाग के निदेशकों के चयन हेतु उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की व्यवस्था विद्यमान थी। लेकिन इसमें विसंगति ये देखने में आई कि यथा समय यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते थे, तो उससे प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता था, चयन की नियुक्ति नहीं ठीक से हो पाती थी और उससे शिक्षा प्रभावित होती थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब इनमें चयन संबंधी दक्षता के लिए एक आयोग बनेगा पूरा, जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के रूप में काम करेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये विधेयक 2023 इसमें पारित हुआ है। इसके अंतर्गत इसमें 12 सदस्य और एक अध्यक्ष की व्यवस्था होगी। इसका हेड ऑफिस प्रयागराज में होगा और इससे भर्ती की प्रक्रिया में एकरूपता, पारदर्शिता, समयबद्धता और प्रामाणिकता ये होगी, इसलिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज पारित हुआ है अपने मंत्रिपरिषद की बैठक में। इसके अतिरिक्त ये पहले अलग अलग शिक्षा आयोग थे, मैंने बताया, दोबारा दिखाऊँ, अभी दोहराता हूँ आपके सामने, सबका एक हो जाएगा। पहले उच्चतर शिक्षा के लिए जो सेवा भर्ती की जो होती वो उच्चतर जो शिक्षा आयोग था वह करता था, इंटरमीडिएट के लिए इंटरमीडिएट माध्यमिक शिक्षा आयोग करता था। अब इस सबके लिए बेसिक शिक्षा सबके लिए एक आयोग हो जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष होंगे, 12 सदस्य होंगे। अब एक ही आयोग से समस्त भर्ती होंगी, नाम है उसका उत्तर प्रदेश, एक मिनट, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। आपने सभी लोग ने वीडियो देख ली होगी। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो आपकी परीक्षाएं जो होगी, मान के चलिए अभी तो कम से कम 2 से 3 महीने लग जाएंगे, लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि लेकिन आपकी जो परीक्षा होगी वो इसी वर्ष यानी कि 2023 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 2024 नहीं आएगा, इसी 2023 में, यानी कि जो नवंबर की लास्ट वीक तक या फिर आपका दिसंबर में आपका एग्ज़ाम, यहाँ पर आपका श्योर एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए तो आपको एक कला के लिए भी बात बता देते हैं। तो सभी लोग एकदम रेडी हो जाइएगा, उन लोग के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट जो बता देते हैं जो कला की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट नहीं भी ज्वाइन हुए, तो यहाँ पर उनके लिए बता देती हूँ कि आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा यहाँ पर कला परीक्षाओं के लिए, वो भी आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। और इवन यहाँ पर आपको जो रिवीजन टेस्ट कराया जाएगा, रिवीजन भी टेस्ट होगा, और इवन यहाँ पर आपका मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा। जो आपका मॉक टेस्ट होगा वो आपकी 125 की सीरीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपको मिलेगा। इवन आपको यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि आपको शॉर्ट नोट्स भी दिए जाएंगे, तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे और आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और इवन यहाँ पर जो है आपको पेंटिंग से रिलेटेड जितनी भी हैं, आपकी पिक्चर से रिलेटेड
आपको यहाँ पे शॉर्ट्स भी अपलोड होते हैं, तो आप उसको वहाँ पे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाकर आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी है पूरी तैयारी कराई जाएगी, बहुत अच्छी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए, तो यहाँ पर आपको ये भी बता देते हैं कि जो भी स्टूडेंट अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है, अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है, तो आप टेलीग्राम के अबाउट, अपने मतलब जो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर आप टेलीग्राम का यहाँ पर लिंक होगा, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, तो जल्दी से सारे स्टूडेंट रेडी हो जाइएगा। और यहाँ पर आपके लिए देखो अभी बहुत सारा टाइम है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम टाइम है, तो आपको कम से कम 2 से 3 महीने तो लग ही जाएंगे। तो यहाँ पर नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर में आपका तो एग्ज़ाम हो ही जाएगा, तो आपके लिए देखो अभी टाइम है। तो बहुत सारे स्टूडेंट की देखो इतनी तो प्रैक्टिस हो ही चुकी है, बस आप लोग को रिवीजन करवाना है, और आपको बहुत अच्छा रिवीजन। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने काफ़ी एक साल से लगे हुए हैं, तो उनके लिए यही चीज़ बतानी चाहिए कि 2-3 महीने रह ही गए हैं, तो उसके लिए बस सभी लोग रेडी हो जाइएगा, क्योंकि आपका, आप लोग भी जानते हैं कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो यहाँ पर सभी लोग रेडी हो जाइए, ये मत सोचिए एक भी दिन आप गैप मत करिए, डेली पढ़िए। चाहे आप 2 से 3 ही घंटे क्यों ना पढ़ते हो, लेकिन आप उसको डेली पढ़िए, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर आपकी वीडियो ख़त्म होती है, तो यहाँ पर चलिए, तो फिर ओके, थैंक यू एवरीवन।